नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल 2022 यूपीएसआई भर्ती की तरह लेखपाल भर्ती गई कोमा में। एसटीएफ ने मांगी टॉपर्स की सूची, ब्लैकलिस्ट होंगे संदिग्ध आयोग, सभी अभ्यर्थियों के लिए खतरे की घंटी। क्या मामला है, आप मामले को पूरा जान लीजिए। पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में साल्वर गिरोह को पकड़ने के बाद एसटीएफ संदिग्ध अभ्यर्थियों की तलाश में है। संदिग्धों को चिन्हित करने के लिए एसटीएफ ने एक फार्मूला तैयार किया है, इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के साथ साझा भी किया है। वो क्या मामला है अभी मैं आपको क्लियर कट में बता रहा हूँ। आयोग अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बुधवार को बताया कि एसटीएफ से सभी सूचनाएं साझा किया जा रहा है। अब तक पुलिस टीम ने जो भी जानकारी मांगा है उसे हमने उपलब्ध कराया है। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि एसटीएफ ने परीक्षा में बैठे 15,000 टॉपर्स की सूची मांगी है, हालांकि अभी तक कापी जांची नहीं गई है। रिजल्ट घोषित कर एसटीएफ को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। अगर इस दौरान कोई भी संदिग्ध अभ्यर्थी मिलता है तो आयोग की ओर से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। एसटीएफ की ओर से पत्राचार कर उनका डाटा मांगा गया है जो उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ जानकारी मांगी गई थी जिन्हें आयोग ने एसटीएफ को सौंपे थे। ये गलत कह रहे हैं क्योंकि एसटीएफ 2 हफ्ते से इनसे डाटा मांग रहा है, तो ये नकार रहे हैं, ये कुछ कहने को तैयार नहीं थे। जब सभी बड़े चैनल वाले छोटे चैनल वाले मिलकर आवाज़ उठाए तब इन्हें लगा कि अब तो खतरा हो जाएगा। वरुण गांधी भी आवाज़ उठाए ट्विटर के माध्यम से, तब ये बोल रहे हैं कि एसटीएफ जो भी डाटा मांग रहा है उसे हम आराम से दे दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एसटीएफ 10-15 हज़ार बच्चों की सूची मांग रहा है, हमें लगता है ये तरीका बहुत गलत है। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी को एवरेज नकल कराया गया हो कि वो पास हो जाए, ठीक है। तो उन्हें कैसे दबोच पाएंगे, उन्हें कैसे पकड़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा मामला है, अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। उधर एसटीएफ टीम लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में पकड़े गए साल्वर गिरोह के 21 लोगों की कुंडली खंगाल रही है। अब बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा है। वैसे कोई मामला होता है तो इनका बुलडोजर चलता है। अब इतना बड़ा धांधली, 8,085 वैकेंसी थी, 15,000 लोगों का व्यक्तिगत नकल हुआ है, अवैध तरीके से नकल हुआ है। इस पर कोई नेता नहीं बोल रहे हैं, इस पर कोई नेता बोल नहीं रहे हैं। वरुण गांधी आवाज़ उठाए हैं कि अगर 15,000 बच्चे अवैध तरीके से हो जाएंगे तो जो मेहनती बच्चे हैं उनका सरकार से भरोसा उठ जाएगा, सरकार से विश्वास उठ जाएगा, आयोग से विश्वास उठ जाएगा, वो एक प्रकार से डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। वरुण गांधी कहे हैं ट्वीट के माध्यम से, ठीक है। रही ये बात, हमें भी नहीं लगता, अब तो हमें लगता है जल्द से जल्द ये कापी जाँचने वाला काम शुरू हो गया है। जैसे कापी कंप्लीट होती है वैसे डीबी का एक कटाफ आ जाएगा, ठीक है। जब उसमें हाई कटाफ वाले जाएंगे तो ही वहीं ये लोग पकड़े जाएंगे, हाई कटाफ वाले उसी समय पकड़े जाएंगे जब ये डीबी कराने जाएंगे। जब जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा उनसे पूछताछ होगा, उन पर टीम बैठेगी और हो सकता है वहाँ 2-4 क्वेश्चन दे दें कि भैया सॉल्व करो, उस समय तुम सॉल्व कर लिए थे अब क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये तरीका इनका है, तो ये तरीका हमको नहीं समझ में आता है। सेम यही प्रोसेस यूपीएसआई वाले में हुआ है, जो अभी मामला कोर्ट में है। इतना धांधली हुआ है, सारी सीटें बिक गई थी यूपीएसआई की, सेम वही प्रोसेस इस पे भी हो रहा है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि होना क्या है, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं क्या होगा अब, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती थी, 8,085 बच्चे कि ज़िंदगी का सवाल है। कहीं अगर 15,000 बच्चे अवैध तरीके से हो गए, 15,000 बच्चों में से 8,085 लोग अवैध तरीके से हो गए तो उनके लिए बहुत दुख की बात है, जो दो दो तीन तीन साल से लेखपाल की तैयारी किए हैं। और उन गरीब बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता अपनी ज़मीन दांव पे लगा के पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग जो भी हो सके जैसा भी मदद हमसे चाहिए, अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो मेरा चैनल जिंदाबाद है,
ठीक है, आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी कह सकते हैं, आवाज़ को उठा भी सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे लोग देख भी लेते हैं मेरा चैनल, बहुत बड़े मात्रा में लोग देख रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे चैनल के माध्यम से और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और अपनी आवाज़ को उठाइए, जिससे और भी लोग जागरूक हों, क्योंकि ये एक भर्ती का मामला नहीं है। UPSI हो गया, अब वीडियो री एग्ज़ाम, जो वीडियो का री एग्ज़ाम हो रहा, 2018 में वीडियो का पेपर हुआ था, जो कितना धांधली, 15-15 लाख, 18-18 लाख में सीटें बिक गई थी भैया। इनसे सरकार नहीं चलाई जा रही है, ठीक है, योगी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अब अपने यूपी में हमें नहीं लगता है कोई भर्ती में पारदर्शिता हो, सारी भर्ती में नकल होता है, कोई भी भर्ती। तो भैया जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत ही दुख की बात है कि आप लोग तो बहुत मेहनत करके जा रहे हो कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। अब अगर रोज़ यही, रोज का हिसाब किताब यही रहे, सरकार भी इस प्रकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तो आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग आवाज़ उठाइए, अब वो समय आ गया है सभी को एकजुट होने के लिए, चाहे वो वीडियो की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हों, वन डे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हों, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, सबको सामने आना चाहिए कि नकल पर एक कानून बनना चाहिए, ठीक है, बहुत सख्त कानून बनना चाहिए, तभी ये लोग मानेंगे, नहीं तो दिन प्रतिदिन ऐसे लोग ठेका लेंगे, जिनके पास पैसा होगा वही नौकरी पाएगा, गरीब बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई बात होती है तो आप वीडियो बना के क्लिप मेरे पास भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ से आप भेज दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाऊँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।